हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, और दुआ करती हूँ आप सब अच्छे रहो, सेफ रहो। सो गाइस, मैं आ गई हूँ अपनी मासी के यहाँ, और आज है 25th एनिवर्सरी मेरी मासी की। और कल जैसे आपने देखा, रात को हमने मासी का भी केक कुक कटाया, थोड़ा डांस वांस कर लिया, मस्ती कर ली। तो अभी मैं आई हूँ छत के ऊपर, और छत के ऊपर मासी आ रही थी कपड़ा सुखाने, अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैं बोली चलो मैं जाती हूँ कपड़े सुखा देती हूँ, ताकि कपड़े हमारे सूख जाएंगे। तो मासी का छत बहुत बड़ा है, और यहाँ का मौसम इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊँ। तुरंत यहाँ पर अगर बहुत तेज़ तुरंत बारिश आ जाती है, बहुत तेज़ तुरंत धूप आ जाता है, तो मौसम बहुत अच्छा है। और मैं कॉम्ब लेके आई थी हेयर कॉम्ब करने के लिए, बट इतनी हवा चल रही है, पूरा कपड़ा सूख रहा है, और कितनी अच्छी हवा चल रही है आप देखो। और यहाँ का वेदर हर आधे घंटे में चेंज हो जाता है, अगर बहुत तेज़ धूप है तो बारिश आ जाती है, और बारिश है तो धूप आ जाती है, हवा चलते रहता है। यहाँ पर एसी कूलर किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा वेदर। ये देखो हवा से डब्बा, और ये देखो कितना सुंदर झंडा लहरा रहा है। तो आज यहाँ पर श्याम बाबा को बहुत मानते हैं मौसा जी, तो श्याम बाबा का कीर्तन है। और ये देखो नीचे का व्यू, तो आप बताना कैसा लग रहा है ये व्यू? तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का व्यू। देखो पूरा दार्जिलिंग, क्योंकि यहाँ से ना दार्जिलिंग गैंगटॉक बहुत पास में है, इसलिए यहाँ का पूरा व्यू दार्जिलिंग गैंगटॉक जैसा है। तो यहाँ बस मैं अभी जाऊँगी नीचे, और मेरे मौसी मौसाजी लोग भी आए हैं, तो हम सब खूब मस्ती करते हैं, बातें करते हैं, और रात का प्रोग्राम जो भी होगा मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, बने रहो, बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखो बाहर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, और हवा कितनी तेज़ चल रही है, कैसा लग रहा है आप लोग बताना। तो गाइस चलो फिर मिलूंगी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही है, कपड़े सुखा दिए हैं, तो अब जा रही हूँ मैं नीचे, चलो फिर मिलते हैं। ये हमारे मौसा जी जो अपनी बड़ी छोटी साली तो है नहीं, बड़ी साली को फ्लर्ट कर रही है, देखो ये देखो, वो भी अपनी वाइफ के सामने। ए बाप रे, क्या ये क्या था, ये क्या था? बड़ी साली को फ्लर्ट कर रहे हैं आप? एक बड़ी साली एक और है ना, एक साली है लुगाई मौसा जी, और एक के लिए पीला फूल है, और एक साली के लिए एक से दोस्त, पीला से दोस्त। अच्छा, और पीला पिलाता है, हरा हराता है, तो लाल भी लाना चाहिए ना आपको मौसी के लिए, मौसी के लिए, मौसी के लिए। तो आपको कैसा लगा, जलन हुआ कि नहीं हुआ? गंदा है ना, देखिए जल रही है, जल रही है मौसा जी। Hey guys, so देखो शाम का
समय आज मैं रेडी हो गई हूँ अभी, और यहाँ पर आज 25th एनिवर्सरी है, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं रेडी हो गई और हम जा रहे हैं ऊपर। बाबा का पूरा दरबार सज गया है, जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और मैं हो गई हूँ रेडी। कैसे लग रही हूँ बताना, मैंने पूरा न्यू ड्रेस पहना है। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। क्या बन जासी बाबा का, और यहाँ पर भोग लग गया है बाबा को, और यहाँ बच्चों को खाना खिला दिया जा रहा है, ताकि बच्चे यहाँ पर टाइम पे ही भोग लगा दिया जाता है, ताकि बच्चे आराम से खा ले, और बच्चे क्योंकि बच्चों को नींद आ जाती है, और उसके बाद बड़े अभी बाहर इंजॉय कर रहे हैं। हम सब अभी खूब इंजॉय करेंगे बाबा के यहाँ पर, हम दरबार में नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे। और यहाँ देखो इस तरह से पूरा बन रहा है भंडारा, तो बहुत ही अच्छे से प्रोग्राम हुआ था, हमें बहुत मज़ा आया था। सो कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये है मेरी मासी जिसको मैंने रेडी किया था, इन्हीं की 25th एनिवर्सरी है। तो हम सब यहाँ देखो, ये है ना इनकी मंडली के सारे लोग हैं जो कि बहुत हेल्प करते हैं, और एक साथ मिलके सारा खाना खिलाना। मासी को कोई टेंशन नहीं था, तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देखकर। और फिर हम जाएंगे बाबा के दरबार में और करेंगे इंजॉय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, बने रहो वीडियो। यहीं पर बाबा का दरबार सजा है, और देखो कितने अच्छे से दरबार सजा है। लोग यहाँ पर अब झूमेंगे, नाचेंगे, और हम सब केक कटिंग करवाएंगे। बहुत इंजॉय होने वाला है, तो बने रहो वीडियो में, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। Let me go.
आमी के मोड़े को भट्टा मारा क्या मतलब बार बार दिल ये आए बार बार दिल ये आए बार ये आए बार बार दिल ये आए तुम जियो अजानो सा मेरी है जो हैप्पी एनिवर्सरी टू यू हैप्पी एनिवर्सरी टू यू बोले सच्चे दरबार की जय। बोले दुखदाता की। फोटो देंगे रुक जाओ अच्छा से फोटो लो इना आइए सामने बोलो ये सामने सामने एक सेकंड थोड़ा सामने और गाना भी गाना ए इना आंटी भैया गाना तो कैसा लगा बताओ आप लोग। यहाँ पर हो गया हमारा आरती और यहाँ अब हो रही है आरती। भजन का प्रोग्राम समाप्त हुआ, केक कटिंग करवा दिया और गिफ्ट दे दिया हाँ एक दूसरे को मौसा जी ने मासी ने। तो यहाँ हम सब आरती कर रहे हैं और आरती होने के बाद बस हम सब खाएंगे और सोएंगे। तो गाइज वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।